दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 2 अप्रैल सैटरडे, कल है संडे। 3 अप्रैल को अडॉप्ट होने वाला है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान की सरकार, ये जो तहरीके इंसाफ की सरकार है, पीटीआई पार्टी की सरकार, इसके अगेंस्ट मोस्ट प्रॉबली ये मोशन अडॉप्ट हो जाएगा और इमरान खान की सरकार यहां पे गिर जाएगी। वैसे ये सरकार बनी थी 2018 में, टेक्निकली इस सरकार को अगस्त 2023 तक चलना था, अगस्त 2023 को नेक्स्ट इलेक्शन शेड्यूल थे, बट मोस्ट प्रॉबली अगर सरकार यहां पे गिर जाती है तो या तो दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे या कुछ समय के लिए हो सकता है आर्मी का कंट्रोल आ जाए। अगर ओवरऑल इस समय पे पाकिस्तान नेशनल असेंबली की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके पास टोटल 149 सीट्स हैं। उसके बाद आती है शहबाज शरीर की सरकार पीएमएलएन, जिसके पास 82 सीट्स हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी पीपीपी 54 सीट्स हैं। मतलब सबसे बड़ी पार्टी इस समय पे इमरान खान है और इमरान खान को हराने के लिए ओवरऑल एक बहुत बड़ा अपोजिशन बना है पाकिस्तान में और इस अपोजिशन को पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा सपोर्ट कर रहे हैं। अब कल के नो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले, मतलब 3 अप्रैल से पहले, आज 2 अप्रैल को दो चीजें हुई। एक चीज तो इमरान खान ने यहां पे ओपनली लोगों से यह बोल दिया कि सड़कों पे उतरो और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट अपील करो। बेसिकली आज सड़कों पे उतरो, कल सड़कों पे उतरो। इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के सामने अपील कर रहे हैं कि देश की डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, अपने फ्यूचर को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाना चाहते हो, पाकिस्तान के फ्यूचर को बचाना चाहते हो, तो उतरो सड़कों पे और मुझे सपोर्ट करो। पाकिस्तान के इमरान खान ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आर्मी का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। तो अगर मेरी सरकार गिरा दोगे तो इसका क्या मतलब है कि आर्मी का इंटरफेरेंस बढ़ा हुआ है? पहली बात तो इमरान खान ये बोल रहे हैं। दूसरी बात इमरान खान ये बोल रहे हैं कि जो फॉरेन पावर्स एक्सेसिव इंटरफेरेंस करती हैं पाकिस्तान के इंटरनल मुद्दे में, हम अपनी अप्रोच में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो पाएं, इसके लिए मुझे यहां पे सपोर्ट करो। मैं एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस बेसिस पे ये बात बोल रहे हैं कि यूएस का इंटेंस प्रेशर होने के बावजूद भी इमरान खान ने मॉस्को के एक्शंस को क्रिटिसाइज नहीं किया। 24 फरवरी को जब अटैक लॉन्च हुआ था, मॉस्को के अंदर इमरान खान पुतिन से मिले थे। इस बात को वेस्टर्न मीडिया ने और ये जो अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं, इसने अच्छी तरीके से नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी इमरान खान उनके प्रेशर में नहीं आए। उसके बाद से अगर आप देखो तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रेस करते हुए भी नजर आए इमरान खान, जिसके चलते अपोजिशन इनको गरी आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर इंडिया हमेशा एक बर्निंग हॉट मुद्दा रहता है कि भाई इंडिया को गरवाओ और गरियाओ और वेट खींचो। तो अब इमरान खान ओपनली कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरो और मुझे बचा लो। अब वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान की जनता के एक बड़े सेक्शन में इमरान खान को बड़ा अच्छा एक्टर भी बोला जाता है। कई मेमेज आपने देखे होंगे, कई लोगों के स्टेटमेंट्स देखे होंगे ट्विटर पे इमरान खान का मजाक उड़ाते हुए कि इमरान खान को एक बहुत अच्छा एक्टर बताया जाता है, मतलब ये बेवकूफ अच्छा बनाते हैं। बहरहाल इमरान खान को लेके एक अलग अलग बातें कही जा सकती हैं। ये बात कुछ हद तक सही है कि इमरान खान ने अपोजिशन के मेंबर्स के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा करप्शन एंटी करप्शन एजेंडा भी चलाया है। पाकिस्तान में इससे पहले उतना एंटी करप्शन एजेंडा चला नहीं है, हालांकि इस एंटी करप्शन एजेंडा चलते अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है पाकिस्तान के अंदर, बट फिर भी कहीं ना कहीं इमरान खान को पाकिस्तान की जनता का एक तबका इस प्रकार से देखता है कि हाँ भाई, ये इंसान पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, गवर्नेंस के तरीके को थोड़ा बदल सकता है। दूसरा इवेंट यहां पे ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, इन्होंने ओवरऑल रशिया के एक्शन को क्रिटिसाइज किया है। ये जो बाजवा का स्टेटमेंट यहां पे निकल के आया है कि भाई ये जो रशिया जो कुछ भी यूक्रेन में कर रहा है या गलत कर रहा है, इससे लोगों की मृत्यु हो रही है, कहीं ना कहीं ये इमरान खान की बात को कुछ हद तक सही कर देता है। देखिए, यूएस की अगर आप बात करो तो पाकिस्तान की मिलिट्री में यूज होने वाले बहुत से हथियार यूएस से, इनफैक्ट यूएस के जो ट्रेडमार्क F-16 फाइटर जेट्स हैं, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में जब MiG-27 इंडिया की तरफ से उड़ रहे थे, MiG-21 इंडिया की तरफ से उड़ रहे थे, तो उनके सामने यूएस के F-16 थे जो कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के जवान उड़ा रहे थे। तो ये बात क्लियर करती है कि पाकिस्तान की आर्मी अपने वेपन सप्लाईज के लिए, अपने डिफेंस सप्लाईज के लिए, डिफेंस ग्रांट के लिए बहुत हद तक यूएस पे डिपेंड करता है और यूएस का अभी भी बहुत इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 3 A's चलते हैं। एक तो पाकिस्तान डीपली रिलीजियस कंट्री है, तो अल्लाह की वहां पे बहुत इंपॉर्टेंस है, भगवान की यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा, आर्मी की वहां पे बहुत इन्फ्लुएंस है। तीसरा, अमेरिका का वहां पे बहुत इन्फ्लुएंस है। इमरान खान एक ऐसे प्रधानमंत्री निकल के आए थे जो कहीं ना कहीं अमेरिका के उस इन्फ्लुएंस को, दबदबे को कम कर रहे थे, लेकिन शायद यहाँ की आर्मी और इनके अपोजिशन के मेंबर्स वो दबदबा कम करना नहीं चाहते। ओवरऑल यहां पे पाकिस्तान एक पॉन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है यूएसए के द्वारा। यूएसए दुनिया भर में अपने पॉन्स बना के रखता है और उसके हिसाब से चालें चलता रहता है। आज की डेट में इस पूरी दुनिया में जितनी भी इनस्टेबिलिटी फैली है
वो यूएस के सेल्फिश इंटरेस्ट के चलते फैली है। आज की डेट में यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, यूक्रेन भी एक पॉन की तरह इस्तेमाल किया गया और रशिया उसको दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। ज्यादा कुछ यहाँ पे अमेरिका ने किया नहीं। पाकिस्तान को भी एक पॉन की तरह अमेरिका इस्तेमाल करता है, इंडिया को भी करना चाहता था, बट वो एक्चुअली में ऐसा कर नहीं पाया। और हमें दाद देनी होगी अपने पॉलिसी मेकर्स की, हमारे पॉलिसी मेकर्स एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्टांस लेके चल रहे हैं। आज की डेट में आपको हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स का स्टांस बहुत सही इसलिए लगेगा क्योंकि यूएस अपने मन मुताबिक हमें इंस्ट्रक्शंस देता रहता है कि ऐसा करो वैसा करो, और ऐसा वैसा करने से इंटरेस्ट सिवल यूएस का मीट होता है, हमारा मीट नहीं होता। हमारे देश में ओवरऑल हमने तेल रशिया से इसलिए खरीदा है क्योंकि सस्ता है। ऐसा नहीं है कि हम रशिया के वॉर को यूक्रेन के अगेंस्ट फाइनेंस कर रहे हैं। ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस को हमने माना, हमने ईरान के साथ अपनी दोस्ती बिगाड़ी, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली फॉरेन रिलेशंस में इंडिया ने अपना नुकसान किया, बट शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स और नुकसान के लिए यहां पे तैयार नहीं है। अब कल की डेट में जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, पास होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन ओवरऑल ये बात तो क्लियर है कि इमरान खान को यहां पर हटाया जा रहा है और कहीं हद तक यूएस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे कुछ इंडिकेशंस ये जरूर निकल के आते हैं कि यूएस पूरी दुनिया की मेजर कंट्रीज को मोबिलाइज कर रहा है रशिया के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए, इंडिया को वो इस चीज को लेके मोबिलाइज कर नहीं पाया। हो सकता है जो यूक्रेन रशिया का वॉर है वो आगे आने वाले समय में बहुत इंटेंसिफाई हो जाए। हो सकता है कि यूक्रेन को बैक एंड से रशिया ने कुछ ऐसी एश्योरेंसेस दी कि हम आपको वेपन्स प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ दिन पहले, अभी दो दिन पहले शायद परसों ही, मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने आपको बताया था कि रशिया की फोर्सेस कीव के पास से विड्रॉ कर रही थी। उसके बावजूद रिसेंटली एक न्यूज यहां पे ये निकल के आई है कि यूक्रेन के दो हेलीकॉप्टर्स रशियन टेरिटरी के अंदर घुसे, एक ऑयल डिपो को उन्होंने उड़ाया और वो वापस आ गए। कुछ किलोमीटर तक अंदर वो रशियन टेरिटरी में आए थे। मोस्ट प्रॉब्ली अगर यूक्रेनियन हेलीकॉप्टर्स अंदर जाके उन्होंने अटैक किया है तो उन्होंने इस बात को इंश्योर किया होगा कि किसी सिविलियन की यहां पे मृत्यु ना हुए, बट रशियन सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये यूक्रेनियन हेलीकॉप्टर्स आए थे, इन्होंने यहां पे धमाका किया और वो वापस चले गए। अब आप बोलोगे सर कि ये यूक्रेन वाला मुद्दा पाकिस्तान के मुद्दे से क्यों जुड़ रहे? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत हद तक चीजें जुड़ी होती हैं आपस में। अगर यूएस पूरी दुनिया की कंट्रीज को मोबिलाइज कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं यूएस को हो सकता है इस बात के बारे में पता हो कि युद्ध लंबा चलने वाला है, या हो सकता है कि यूएस ने बैक एंड से यूक्रेन को एश्योरेंसेस दिए हो कि हम आपको लगातार हथियार, टैंक, एयरक्राफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर यूक्रेनियन हेलीकॉप्टर्स ने घुस के रशिया की जमीन पर अगर एक अटैक किया है तो नो डाउट कहीं ना कहीं एक्टिव सपोर्ट के बेसिस पे ही किया होगा। अब यूक्रेन ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, आपको यहाँ पे समझना होगा कि यूक्रेन इस समय पे अगर सरेंडर करता है तो यूक्रेन को कमजोर समझा जाएगा। बहुत सारी टेरिटरी यूक्रेन की जिसके ऊपर रशिया भी घुस के बैठा है, रशिया उस टेरिटरी से विड्रॉ नहीं करेगा, वो टेरिटरी रशिया की हो जाएगी। और अभी ही रिसेंटली आपने देखा है कि नगोर्नो काराबाग के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जंग हुई थी। जंग बहुत ज्यादा वायलेंट हो रही थी, उसके चलते आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने नगोर्नो काराबाग का एक बहुत बड़ा इलाका सरेंडर कर दिया, जिसके चलते उनके जो हेड है ना आर्मेनियन पीएम पाशनियान, इनको बहुत हद तक प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा था। तो आज की डेट में एक बड़ा प्रेशर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर भी है कि कहीं ना कहीं अगर ये रशिया के साथ किसी प्रकार की डील करते हैं और यूक्रेन की एक बड़ी जमीन चली जाती है तो आगे आने वाली पूरी हिस्ट्री में इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा इलेक्शन के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं यूक्रेन को एक्टिवली बैक एंड से यूएस सपोर्ट दे रहा है कि आप अपनी जंग रशिया के अगेंस्ट जारी रहिए, और ओवरऑल इस जंग के जारी रहने से यूएस को बहुत फायदा होने वाला है। रशिया लगातार कमजोर पड़ता जाएगा, यूक्रेन की तबाही से यूएस को कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। यूएस यूक्रेन को बोल देगा कि ठीक है, जब वॉर खत्म होगा तो हम आपको लोन वगैरह दे देंगे, अपना रिकंस्ट्रक्शन करवा लेना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी यूएस ने उधार दिया था, यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी यूएस उधार दे देगा। ओवरऑल वेपन्स तो भेज ही रहा है यूएस यूक्रेन के अंदर, बाद में इसकी पेमेंट भी यहाँ पे वसूलेगा। जितना लंबा यहाँ पे वॉर चलेगा उतना ही यहाँ पे रशिया कमजोर होता जाएगा, लेकिन ओवरऑल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है और चीजें गलत तरफ पे जा रही हैं। देखिए, यूक्रेन लड़ाई तो कर रहा है इस समय पे रशिया से, बट कल की डेट में हो सकता है रशिया एक स्मॉल स्केल पे एक माइनर न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के ऊपर लॉन्च कर दे। अब बहुत सारे लोग बोलोगे नहीं सर, रशिया ऐसा नहीं करेगा, रशिया कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं दाग सकता यूक्रेन के ऊपर, अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन दागता है तो उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप देखो तो दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक पाइल्स इस समय पर रशिया के पास है। तो कल की डेट में मान लीजिए रशिया एक छोटे लेवल का न्यूक्लियर अटैक कर देता है यूक्रेन के ऊपर, 100% कोई भी पलट के न्यूक्लियर अटैक तो नहीं करने वाला है रशिया के ऊपर, ये बात तय है। क्योंकि अगर रशिया ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर लिया तो दे आर इनफ टू वाइप आउट ह्यूमैनिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो कल की डेट में
हो सकता है व्लादिमीर पुतिन प्रेशर के अंदर आके एक स्मॉल लेवल का न्यूक्लियर अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा। इस क्राइसिस को सॉल्व करने के अब दो रीजन बचे हैं। या तो भाई वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की अपने स्टांस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन की शर्तें मान ले, बैठ के बातचीत करें, लेकिन इसमें यूक्रेन का हो जाएगा भारी नुकसान। बहुत सारा यूक्रेन का इलाका रशिया के पास चला जाएगा, वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की की इमेज हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी, यूक्रेनियंस की डिग्निटी हमेशा के लिए चली जाएगी। ये ना यूक्रेन का नागरिक चाहता है, ना ही वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की चाहते हैं। दूसरा तरीका क्या है क्राइसिस को सॉल्व करने का? कि व्लादिमीर पुतिन पीछे हट जाए। व्लादिमीर पुतिन यहां से पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल इमेज उनकी मैटर करती है। अगर वो इस समय पे वॉर से पीछे हटते हैं तो वो ज्यादा कुछ स्ट्रेटेजिकली गेन करेंगे नहीं, और अगर वो स्ट्रेटेजिकली गेन करेंगे नहीं तो अपने लोगों को क्या बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। तीसरा ये हो सकता है कि भाई व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट तख्ता पलट हो जाए रशिया के अंदर। अगर ऐसा हो जाए तो सबसे बढ़िया, क्योंकि ये एक तरीका है पीसफुली इस चीज को सॉर्ट आउट करने का। जैसे ही तख्ता पलट होगा, अगर कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबल सरकार उठ के आती है रशिया के अंदर, तो वो हो सकता है यूक्रेन के साथ बातचीत करके वॉर को खत्म कर दे, विड्रॉ कर जाए, यूक्रेन भी शांत बैठे, रशिया भी शांत बैठे। अब ये चीज होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन अभी के लिए अगर ये वॉर चलता रहा तो बहुत डेंजरस प्रपोर्शन ले सकता है। आगे आने वाले 6-7 महीने, 1 साल तक वॉर चलता रहा तो यूक्रेन को तोड़ने के लिए हो सकता है स्मॉल लेवल पर रशिया को न्यूक्लियर अटैक करना पड़ जाए। और अगर रशिया न्यूक्लियर अटैक करता है, माइंड इट, कोई मदद करने नहीं आएगा यूक्रेन की, और ना ही रशिया के अगेंस्ट कोई न्यूक्लियर रिस्पांस करेगा, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर रिस्पांस करने की काबिलियत नहीं है किसी कंट्री की। पूरी दुनिया वाइप आउट हो जाएगी अगर रशिया ने अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को इस्तेमाल किया। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस देखी। यूएस कहीं ना कहीं दुनिया भर की कंट्रीज को मोबिलाइज कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान को भी मोबिलाइज कर रहा है, और पाकिस्तान को मोबिलाइज करने के लिए एक इंटरनल पॉलिटिक्स में खलबली सी मच गई है, और उस खलबली के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सड़कों पर उतरो और अपनी डेमोक्रेसी को बचाओ। अब कितने लोग सड़क पर उतर के एक्चुअली डेमोक्रेसी में बचाते हैं ये तो कल ही पता चलेगा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। लेट्स सी इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर कितना सपोर्ट मिलता है। एक छोटी सी एनालिसिस मैंने आपके साथ पेश की दोस्तों, आई होप आपको पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को लोगों के साथ शेयर करिएगा, अपने व्यू पॉइंट कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। अगर आपको लगता है कि इससे अल्टरनेटिव आपको व्यू पॉइंट दे सकते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।